चलिए बाबा आज की रिवीजन चालू करते हैं आज हम करेंगे चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन सर एक क्विक लिंकिंग दीजिए हाँ बाबा लिंकिंग ले लीजिए हमने स्टार्ट किया था जीएसटी सीखना गुड्स और सर्विस से सर गुड्स और सर्विस अगर किसी ने सप्लाई कर दिए सप्लाई अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लेवी हो जाएगा इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो सर सीजीएसटी लेवी हो जाएगा एक बार जीएसटी अगर लेवी हो गया तो जीएसटी कलेक्ट करेगा और पे कौन करेगा सर जीएसटी पे करेगा एक टैक्सेबल पर्सन सर ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है एक टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है या लायबल टू रजिस्टर होता है अंडर सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 24 चलिए आज रिवीजन करेंगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर का कि सर कौन लायबल होता है सेक्शन नंबर 22 बोलता है कौन लायबल होता है 23 बोलता है कौन लायबल नहीं होता है एंड सेक्शन नंबर 24 बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बिना कोई थे के भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन नंबर 22 में सेक्शन नंबर 21 2 3 एंड सेक्शन नंबर 22

हमें सेक्शन नंबर ट्वेंटी उसके साथ पढ़ना पड़ता है नोटिफिकेशन बोलता है कि अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट फोर्टी लैख कर दिया जाएगा लेकिन फोर्टी लैख ,00 आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक पर्सन है जिसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है अगर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर में सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है तो बेटा कंपलसरी है ना फिर तो फिर कोई फोर्टी लाख ट्वेंटी लाख टेन लाख का लिमिट नहीं मिलेगा अगर सर आप सप्लायर ऑफ पान मसाला है एरेटेड वाटर मैंने यहां काट रखा है अगर आप सप्लायर ऑफ पान मसाला है आइसक्रीम है तो आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर कंटेनिंग कोकोआ और नॉट टोबैको टोबैको सब्सिट्यूट वगैरह बनाते हैं सर सप्लायर हैं सप्लायर मतलब बना के बेचते हैं या खरीद के बेचते हो सप्लायर ऑफ पान मसाला आइसक्रीम टोबैको फ्लाई एज ब्रिक्स ब्लॉक्स अग्रीगेट ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल और सिमिलर सिलीसियस अर्थ बिल्डिंग ब्रिक्स अर्थन और रूफिंग ट्राइल अगर बेचते हो तो सर उसके लिए बोला गया है 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा आपको तो 20 लाख रुपीस का लिमिट ही मिलेगा लेकिन सर आपने एरेटेड वाटर को काट दिया है तो एरेटेड वाटर के सप्लायर के लिए कितना मिलेगा एरेटेड वाटर के सप्लायर के लिए 40 लाख ही मिलेगा सिर्फ पान मसाला आइसक्रीम टोबैको ये जो वेरियस काइंड ऑफ ब्रिक्स हैं एंड अर्थन और रूफिंग टाइल इनके लिए 20 लाख का लिमिट ही रहेगा ठीक है सर और 40 लाख का लिमिट आपको कब नहीं मिलेगा नंबर वन अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने वाले व्यक्ति हो नंबर टू पान मसाला आइसक्रीम टोबैको ब्रिक्स एंड अर्थन और रूफिंग टाइल वाले व्यक्ति हो तो 40 लाख ,00 नहीं मिलेगा थर्डली अगर आप एक्सरसाइज करते हो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन या इंटेंड करते हो कि सर मैं रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना चाहता हूं मुझे 40 लाख ,00 नहीं चाहिए तो बेटा आप सेल्फ मेड बकरे हो आपको तो 40 लाख ,00 रुपीज का लिमिट चाहिए ही नहीं आप वॉलेंट्री एक रुपए दो रुपए पचास रुपए में भी रजिस्ट्रेशन जितने में चाहो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो उसके बाद अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लायर हो इन एम स्क्वायर और एन एम स्क्वायर एन एंड प्यमाज ऑफ तेलंगाना तो आपको फोर्टी लाख का लिमिट नहीं मिलता

प्रदेश सिक्किम एंड तेलंगाना तो आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो भी ट्वेंटी मिलेगा सर्विस हो तो भी ट्वेंटी मिलेगा गुड्स प्लस सर्विस हो तो भी आपको ट्वेंटी लाख ही मिलेगा सर अगर मैं ओक ऑफ हिमाचल प्रदेश में हूं सप्लायर ऑफ गुड्स हूँ तो फोर्टी मिलेगा सप्लायर ऑफ सर्विस हूं तो सर ट्वेंटी मिलेगा गुड्स प्लस सर्विस भी ट्वेंटी लैख ओक ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है एनी अदर स्टेट अदर देन दस और प्लस यहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट असम एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश को भी इंक्लूड कर रखा है तो इनके लिए होता था 20 लेकिन इसको एग्जंपशन इसको बेसिकली गवर्नमेंट ने 23 में नोटिफिकेशन इशू करके 40 लाख कर दिया बेटा याद रखना ये 40 लाख नहीं मिलेगा अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लायबल है अगर पान मसाला आइसक्रीम टोबैको ब्रेक्स ब्रिक्स जो बोरियस काइंड ऑफ ब्रिक्स है और सर उसके बाद आप अर्थन और रूफिंग टाइल बनाते हैं तो आपको 40 लाख नहीं मिलेगा आपका लिमिट 20 लाख हो जाएगा उसके बाद सर अगर मैं वॉलेंट्री रजिस्टर्ड पर्सन हूं या रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना चाहता हूं तो सर क्या फोर्टी लैख क्या ट्वेंटी लैख क्या टेन लैख वॉल्ट्री तो सर कभी भी ले सकते हो और उसके अलावा अगर सर आप इन स्टेट में हो तो आपको फोर्टी लैख का लिमिट नहीं मिलता है ठीक है सर यह पॉइंट क्लियर है उसके बाद इन्होंने बोला था कि अगर आपका एग्रीगेट टर्न ओवर अग्रीगेट टर्न ओवर क्रॉस हो जाता है ट्वेंटी लैख टेन लैख और फोर्टी लैख सर ये एग्रीगेट टर्न क्या होता है अग्रीगेट टर्न याद रखिएगा अग्रीगेट एंड टर्न दो वर्ड होते हैं सर अग्रीगेट करना है आपको टर्न ओवर पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस पे टर्न क्या होता है टाइटू टाइटू TIE square, taxable supplies, interstate supply, exempt supply, export, TIEE, -E, taxable supplies, interstate supply, exempt and export. And sir, उसके अलावा आपको exclude करना है हमेशा जो भी आपके inward supplies ली हैं, जिस पे आप GST reverse charge में दोगे, वो आपका turnover थोड़ी है, वो तो आपका inward supplies है, वो turnover में नहीं आएगा. Inward supplies under RCM and GST को आपको हमेशा exclude करना है. उसके अलावा sir note बोला है कि sir अगर समझ लीजिए मैं एक supply हूं जो एजेंट है बेसिकली अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई करता है तो इनवाइस मैंने अगर अपने नाम पे दिया है जब मैं एजेंट प्रिंसिपल के में सप्लाई करता है तो सर इनवॉइस अपने नाम पे देता है वो उसी के टर्नओवर में आएगा ठीक है दे दिया तो बेटा याद रखिएगा सप्लाई ऑफ गुड्स जॉब वर्कर जॉब वर्कर के वहां से बेच दिया प्रिंसिपल इनवॉइस देगा तो वो इन द टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल ही आएगा उसके बाद सर अगर कोई आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो आउट वर्ड रिसीपियन जीएसटी लेकिन सर है तो आपका आउटवर्ड तो ये आपके टर्नओवर में आएगा आएगा और आएगा ठीक है सर सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू वन का फाइनल कंक्लूजन यही है सार यही है कि सर आपने अगर आप अगर सप्लायर हैं तो आपका अगर टर्नओवर क्रॉस हो जाता है टर्नओवर 40 लाख 20 लाख और 10 लाख तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तब आप लायबल हो जाओगे और सर याद रखिएगा टैक्सेबल सप्लाई अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट से करते हो एम स्क्वायर टी से तो आपका लिमिट टेन लाख हो जाता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट रिक्वेस्ट करता है तो टेन का ट्वेंटी कर सकता है और गवर्नमेंट के पास एक और पावर है कि गवर्नमेंट को अगर स्टेट रिक्वेस्ट करता है तो सर उस केस में सप्लायर ऑफ गुड्स के केस में गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकता है लिमिट फ्रॉम ट्वेंटी लेकिन सर इस पावर को गवर्नमेंट ने अभी यूज नहीं किया गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर के पावर को यूज करते हुए आपका 40 तक आपको दे रखा है एनी उसके बाद एक पॉइंट है कि सर अगर आपका इंटरेस्ट इनकम हो रहा है आपने किसी को लोन एंड डिपोजिट दिया उसके बदले आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिल रहा है तो सर ये जो इंटरेस्ट इनकम होता है ये एग्जाम सप्लाई होता है इंटरेस्ट इनकम आपका एक सप्लायर ऑफ सप्लाई आपको एक सप्लायर ऑफ सर्विस बनाता है आपको ये एक एग्जाम सप्लाई होता है लेकिन सर इवन दो मेरे पास इंटरेस्ट इनकम है फिर भी मुझे सप्लाई ऑफ गुड्स कंसिडर करके 40 लाख का जो हायर लिमिट होता है वो दिया जाता है ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 232 बोलता है

ट्रांसफर एक रजिस्टर्ड पर्सन था और उसने बिजनेस ट्रांसफर किया एज गोइंग कंसर्न उसके बाद सर अगर ट्रांसफर है ट्रांसफरी लायबल होगा सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर बोलता है ट्रांसफरी लायबल होगा इन केस ऑफ अमाल और

सर्टिफिकेट ऑफ incorporation आपको roc दे देती है याद रखना जब लायबल हो गए सेक्शन नंबर 25 बोलता है लायबिलिटी से 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है उसके बाद सेक्शन नंबर 23 आता है सेक्शन नंबर 23 बोलता है कि सर हु आर द पर्सन नॉट लायबल 231 ए बोलता है अगर आप एक पर्सन हो जो एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली

से कौन होता है आइदर इंडिविजुअल होता है जो करता है कल्टिवेशन ऑफ लैंड जमीन में अपना पसीना गिरा रहा है कल्टीवेशन ऑफ लैंड कर रहा है जमीन से उगा रहा है और सर कैसे उगा रहा है अपने लेबर से फैमिली लेबर से अपना लेबर लगा रहा है अपना खून पसीना लगा रहा है फैमिली को ला रहा है या सर वो और फैमिली खड़े होकर देख रहे हैं सुपरवाइज कर रहे हैं और सर सर्वेंट्स वेजेस में काम कर रहे हैं या हायर्ड लेबर अंडर फैमिली और पर्सनल सुपरविजन काम कर रहे हैं तो मैं हो गया एग्रीकल्चरिस्ट और जो उगा के बेचूंगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है उसके बाद अगर आप राइट साइड आओगे तो नेक्स्ट आता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बेटा याद रखिएगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस में आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना है इवन दो आपका टर्न ओवर टेन लाख ट्वेंटी लाख फोर्टी लाख वगैरह क्रॉस नहीं हुआ जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है अगर क्रॉस नहीं हुआ तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन नंबर ट्वेंट ट्वेंटी टू में बोलता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर वन बोलता है अगर एक पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई सप्लाई करता है टैक्सेबल का तो सर उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फिर कुछ लोग रोने लग गए तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है एग्जाम कर देते हैं और गवर्नमेंट ने ट्वेंटी टू के पावर को अगेन यूज करते हुए कुछ एग्जेपन ग्रांट कर दी सेक्शन नंबर ट्वेंटी का टू का पावर था कि गवर्नमेंट एक्जन दे सकती है और गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया अगर आप एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स या क्राफ्टमैन गुड्स सप्लाई करते हैं जो आप सप्लायर हैं

ठीक है सर उसके बाद अगर मैंने अदर गुड सप्लाई किया इंटरस्टेट तो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है अगर इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस हूं तो बेटा इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेस को भी अब टू ट्वेंटी लाख और टेन लाख गवर्नमेंट ने एक्जमशन दे रखा है उसके बाद आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सर जो ओकेशनली अंडरटेक करता है ट्रांजेक्शन ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ सर

हैं एज अ कैजुअल टैक्स पर्सन तो बेटा आपको 20 लाख और 10 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है तो सर अगर हैंडीक अगर अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लायर अगर कोई दूसरे स्टेट में जा रहा है तो बेटा उस केस में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है क्योंकि वहां उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो सर उस केस में तो वो रजिस्ट्रेशन लेगा लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स गुड्स और वाले सप्लायर को बोल दिया लाख और 10 तक का लैकम्शन नहीं है, 20 और 10 तक ही दिया गया है उसके बाद अंडर आरसीएम तो अंडर अंडर देना है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है और सप्लायर जो है उसको एग्जाम किया गया है अंडर सेक्शन ट्वेंटी थ्री टू तो मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स कैसे दूंगा अगर मुझे चार्ज में टैक्स देना है तो मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है और जो सप्लायर है उसको एग्जाम किया है अप अपू ट्वेंटी लाख और सर उसको नॉट ट्वेंटी लाख और टेन लाख सप्लायर जो है उसको बोल दिया जब तेरी सप्लाई पे हमेशा ये रिसिपेंट ही टैक्स देगा सप्लायर तू रजिस्ट्रेशन मत ले

टैक्स uh, पे करेगा तो सर उसके लिए मैंने यहां लिखा इफ यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन नंबर नाइन फाइव जब जब सेक्शन नंबर नाइन फाइव में ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा तो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी देना पड़ेगा इसमें सर आपने टी एच ए आर सर्विसेज बताई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय मोटर कैब मोटरसाइकिल रेडियो टैक्सी वगैरह उसके बाद आपने हाउसकीपिंग सर्विसेज बताई अकोमोडेशन सर्विसेज बताई एंड रेस्टोरेंट की सर्विसेज आपने बता दी थी टी एच आर ठीक है सर थॉर उसके बाद मैंने आपको बोला यहां पे कि सर अगर आप एक एनआरटीपी है एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जुअल टैक्सीबल पर्सन दूसरे स्टेट से आते हैं एनआरटीपी दूसरे कंट्री से आते हैं और उसका इंडिया में कोई बिजनेस भी नहीं कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है और सर उसका इंडिया में कोई रेजिडेंस भी नहीं है तो आप हुए NRTP इंडिया में बेटा को गवर्नमेंट ने बोल दिया आप अगर टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो आपको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है और आपको पता है एनआरटीपी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पांच दिन पहले अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और जब अप्लाई करता है तो सर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट के बेसिस पे अप्लाई कर सकता है उसके बाद आगे

एजेंट फर्दर है, तो ये जब एजेंट करेगा अपने के नाम पे, तो सर एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन तो तो लेना पड़ेगा अगर मेरा प्रिंसिपल पर्सन है तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक हेड ऑफिस हैं जो अपने ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्रेडिट तो सर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उसके बाद और ये एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है अलग रजिस्ट्रेशन होता है आईएसडी का रजिस्ट्रेशन उसके बाद सर ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात आई यहां पे तो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या बात आया बेटा एक सप्लायर है यहाँ पे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर गुड्स बेचता है तो जब उसे पेमेंट मिलता है तो ई e कॉमर्स को बोला गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर आप टीसीएस काटिए और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कीजिए अब गवर्नमेंट आपको क्रेडिट देगा तो आपको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यही यहां बोला गया है कि अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसे टीसीएस काटना है तो सर वो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेगा एज ए टीसीएस कलेक्टर और सर उसके बाद अगर आप वैसे व्यक्ति हैं जो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं अदर देन नाइन फाइव वाली सप्लाईज नाइन फाइव वाली सप्लाईज़ के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है इन नाइन फाइव वाली सप्लाईज़ को छोड़ दीजिए इनको छोड़ के इनको छोड़ के अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हो तो अगर ई कॉमर्स टीसीएस काटने वाला है तो टीसीएस काट के गवर्नमेंट को देगा आपको क्रेडिट चाहिए तो आपको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अब इधर सप्लायर ऑफ सर्विसेज आ गए और सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने बोला कि सर हम तो छोटे व्यक्ति हैं सर प्लीज सप्लायर ऑफ सर्विसेज को बक्स दीजिए तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है सप्लायर ऑफ सर्विस को एग्जाम कर दिया आप टू ट्वेंटी लैक और लाख रुपीस उनको एग्शन दे दिया अब समझ लीजिए मैं एक कॉमर्स ऑपरेटर हूं और मेरे नीचे जितने सप्लायर हैं, सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, जितने भी सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, वो छोटे छोटे लोग हैं जिनका टर्नओवर ट्वेंटी लाख रुपीज टेन लाख रुपीज से कम है तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी बोल दिया गया कि आप टीसीएस मत काटिएगा तो अगर मुझे टीसीएस नहीं काटना है और मेरे नीचे सारे सप्लायर्स समझ लीजिए छोटे छोटे लोग हैं जिनका टर्न ओवर कम है तो मैं टीसीएस नहीं काटूंगा अगर मुझे टीसीएस नहीं काटना है तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है।, है तो सर इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर सर इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्टर का रजिस्ट्रेशन तो नहीं लेना है लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर का कमीशन इनकम होता है अगर कमीशन इनकम टेन लाख ,00 रुपी से क्रॉस हो गया तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसे थ्रेश बेनिफिट मिल जाएगा उसके बाद आता है ओवरसीज ओ जो ये नेटफ्लिक्स वगैरह होते हैं नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह अगर ये इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं सर्विसेज दे रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो आईडीआर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेगा इंडिया में जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा उसके बाद आता है सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल जो भी अदर क्लास ऑफ पर्सन होते हैं जिनको नोटिफाई कर दिया जाएगा उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरली लेना पड़ेगा एक पॉइंट में यहां बोलना चाहता हूं रिगार्डिंग टू to...

समझ लीजिए मोर लाख या टेन लाख हो गया तो तो सर एपीएमसी एजेंट का जाता है और अगर आप ऐसे सप्लायर है जिसको कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है आपकी सप्लाई एक्समटेड है तो सर आपको भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है अंडर सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री वन ए कमीशन एजेंट अंडर एपीएमसी एक्ट

T, I, o, and S. याद रखिएगा सी फॉर कैज टैक्स पर्सन आर फॉर सर आर फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आपको टैक्स देना है सर ई फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हो पर्सन सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ गुड्स का केस में सर्विसेस का केस में तो एक्जम्पन है ए फॉर एजेंट ऑफ ए टैक्सल पर्सन ए फॉर एग्रीगेटर्स

कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ओ फॉर ओ आई डी ए आर एन फॉर एनआर सच अदर पर्सन नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल पॉइंट क्लियर है क्लोज करूंगा अपना डिस्कशन और रिविजन सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर एग्जाम के लिए चार्ट ए ग्रेटेड है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आपको हंड्रेड परसेंट ध्यान रखना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिमिट्स भी ध्यान रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सर क्लोज करूंगा अपना रिविजन ऑन सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फोर अब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 25. सेक्शन नंबर 25 समझने के लिए सर आपको अगर याद है तो मैंने आपको सेक्शन नंबर 22 पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 23 पढ़ाया था और सेक्शन नंबर 24 सर जब हमने रजिस्ट्रेशन का रिवीजन किया तो सेक्शन नंबर 22 टू बोला पर्सन लायबल सेक्शन नंबर 23 बोला पर्सन वर नॉट लायबल एंड सेक्शन नंबर 24 बोला किसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है अब सुनिए अगर आप हो 22 में लायबल या 24 में अगर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है तो अब आता है सेक्शन नंबर 25 जो बोलता है जब एक पर्सन लायबल हो जाए तो अगर आप लायबल हो गए हो तो सेक्शन नंबर 25 बोलता है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है विद इन द नेक्स्ट 30 डेज तो यही बोला गया है कि सर अब अगर आप एक एनी पर्सन थे जिसको आईडिया आया उसने बिजनेस स्टार्ट किया और फिर लायबल हो गया अगर आप लायबल हो गए फॉर रजिस्ट्रेशन तो आप एक टैक्सेबल पर्सन हो गए और अब आप आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव बोलता है कि सर अगर एक पर्सन लायबल हो गया तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है नेक्स्ट डेज़। और अगर सर है का, वो बोलता है, अगर आप एक सिटी पे एनआरटीपी है तो आपको अप्लाई करना है, आपका जो का है उसके पांच दिन पहले ही आपको अप्लाई करना है सर, अगर मेरा एक स्टेट में आपका एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी है

एस सी जेड हो तो सर आपको सेपरेट से लेना है टी डब्ल्यू आई में हो टेट वाटर्स में तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में लेना है उसके बाद आता है सर लेना कैसे रजिस्ट्रेशन वो बोलता है रूल नंबर एट रूल नंबर नाइन एंड रूल नंबर टेन लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको नीचे देखना पड़ेगा

क्या होगा अगर मैंने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया तो ऑल प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट जैसे एक रजिस्टर्ड पर्सन को लगते हैं वैसे आपको भी लगने जग जाएंगे मतलब आप आईटीसी लीजिए आप जीएसटी चार्ज कीजिए आप रिटर्न फाइल कीजिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है वॉलेंट्रीली कोई रजिस्ट्रेशन ले लिया और फिर लगा मुझे कैंसिल करना है तो पहले एक साल का लॉक इन पीरियड हुआ करता था वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन का केस में अब कोई लॉक इन पीरियड नहीं है जाके आप कैंसिल भी करा सकते हो अगर आपने ले लिया और फिर आपको लगा गलती हो गई उसके बाद सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव फोर बोलता है कि सर

एक स्टेट में रजिस्टर्ड एक स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो भी मुझे डिस्ट्रिक्ट पर्सन माना माना जाएगा जाएगा मतलब उन दोनों एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे माना जाएगा, वो अलग अलग व्यक्ति की ठीक है सर उसके बाद आता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव सिक्स की जब आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो पैन नंबर मैंडेटरी होता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो पंद्रह डिजिट होता है जीएसटी नंबर का वो बीच का जो डिजिट होता है वो सर आपका जीएसटीएन नंबर ही होता है लेकिन टीडीएस डिडक्टर कैन यूज टैन इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और टीडीएस डिडक्टर टीडीएस डिडक्टर टेन यूज कर सकता है सिर्फ याद रखिएगा उसके बाद रूल नंबर ट्वेल्व बोलता है कि अगर एक TDS TCS कलेक्टर को लेना है, तो कैसे लेगा याद सर, अगर TDS TCS कलेक्टर है, उनको में देना पड़ता है पार्ट ए में वो मेंशन करेंगे कहा उन्हें रजिस्ट्रेशन चाहिए और पार्ट बी में वो क्या करते हैं जो स्टेट में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस दे देते हैं ठीक है सर पॉइंट क्लियर है

उसके बाद सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव सिक्स ए सिक्स बी सिक्स सी और सिक्स डी आता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव सिक्स ए सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव सिक्स ए सिक्स बी सिक्स सी और सिक्स डी क्या बोलता है सर सेक्शन नंबर ट्वेंटी बोलता है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है आधार ऑथेंटिकेशन सर आधार ऑथेंटिकेशन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया था विद एफेटेंड एंड ट्वेंटी अब गवर्नमेंट ने जब फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी को आधार ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया तो सर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे मतलब आपने रजिस्ट्रेशन टू थाउजेंड सेवेंटीन से विध टिल फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी इसके बीच में इससे पहले कभी भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया था तो बेसिकली आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो आपके केस में भी आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा बट विथ इफेक्ट फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है बट कुछ कुछ केसेस में अगर आपको कुछ कुछ बेनिफिट चाहिए उसके लिए एक रूल नंबर टेन बी आया है उसके बाद बात में करेंगे अब सर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव सिक्स बी में गवर्नमेंट बोलता है अगर आप एक इंडिविजुअल हैं

सिक्स बी में गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक इंडिविजुअल हैं फर्स्ट अप्रैल 2020 से रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा सिक्स सी में बोला गया है कि सर अगर आप एम के हैं तो आपको आई करता A, 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 मतलब अगर आप आप है, है या आप करता है, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा ऐसा बोल दिया है सिक्स डी में गवर्नमेंट ने बोला है कुछ कुछ लोग जिनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है तो सिक्स ए में बोला पर्सन या उसे ऑल्टरनेट एंडबल मीन दिए जाएंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन उसके बाद बोला इंडिविजुअल सेल अंदर को आधार ऑथेंटिकेशन या फर्निश करेगा प्रूफ ऑफ आधार नंबर या उससे ऑल्टरनेट या वायबल मीन दिए जाएंगे अल्टरनेट एंड वायबल मीन मतलब आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में आके आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करके फिर आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा ठीक है सर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया All other person, और इसमें ऑथोराइज सिग्नेटरी मैनेजिंग को रखा है और इनको बोला है आपको भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना है और इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन विध इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2020 कराना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए लेकिन सर अगर आधार नहीं है तो इनको फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए वे भी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा उसके बाद सर, 6A, 6B, is not applicable, मतलब आपको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है अगर आप कौन है और 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 कर देगा और उन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है किस किस लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला पर्सन नोटिफाइड अंडर सिक्स डी में सिक्स ए सिक्स बी सिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू ए न्यू डेली पी एस यू न्यू डेली पी एस यू मतलब सर एंड फॉर इफ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और यू आर ए डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आप लोकल अथॉरिटी हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर स्टैचुरी बॉडी है या यू एन होल्डर जो सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव नाइन में जिसके बारे में बोला गया है अगर आप वो लोग हैं तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है सर तो नहीं कराएंगे न्यू डेली पी एस यू ठीक है सर चलिए सर ठीक है अब समझ में आ गया किसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है किसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना उसके बाद सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव सेवन बोलता है अगर आप एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने बोला आपका एप्लीकेशन जाएगा जीएसटी आर जीरो नाइन में

टैक्स लाइबिलिटी देना पड़ेगा विच इज नेट एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी उसके बाद आपका रूल नंबर एंड अप्लाई होगा और वेरिफिकेशन होते हुए रूल नंबर टेन बोलता है रजिस्ट्रेंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा एक बात याद रखिएगा अगर आप एक एनआरटीपी हैं तो आप जब एप्लीकेशन करेंगे एप्लीकेशन मेड बाय उसके बाद यहां बोला गया है सर अगर पर्सन फेल्स टू ऑपटेन रजिस्ट्रेशन आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया समझ लीजिए आप लाइबल हो गए थे और आपने नहीं लिया, तो आपको मोटो कर देगा, और उसके लिए अप्लाई होता है रूल नंबर सिक्सटीन जो बोलता है कि सर समझ लीजिए पर्सन लायबल है अंडर सेक्शन नंबर टू कोई सर्च इंक्वायरी वगैरह हुआ और आप प्रॉपर ऑफिसर को पता चल गया कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो प्रॉपर ऑफिसर आपको टेम्पररी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर देगा और ऑर्डर दे देगा इन जीएसटी आरजी ट्वेल्व जीएसटी आरजी ट्वेल्व में आपको एक ऑर्डर देते हुए रजिस्टर कर देगा अब बेटा रजिस्ट्रेशन आपको ऑर्डर दे दिया रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर आ गया अब एक काम कर बेटा

ठीक है लेकिन सर अगर मैं अपील में चला गया और अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर ऑफिसर ने दिया वो फाड़ के फेंक दिया बोला ये इनवैलिड है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आ... रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बेसिकली अपीलेट अथॉरिटी ने बोला जो ऑफिसर बोल रहा है वो सही है अपेंड कर दिया ऑर्डर को तो आपको मिलेंगे और थर्टी डेज का टाइम उस दिन जब अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया उसके थर्टी डेज में आपको ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन देना है वेरिफिकेशन होते हुए वे, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा तो रजिस्ट्रेशन को इफेक्टिव करा दिया जाएगा फ्रॉम द डेट जब आपको ऑर्डर दिया गया था इन जी एस टी उसके बाद बोला गया है सर अगर आप एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जैसे सर यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन का कोई एजेंसी है मल्टी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन आर नोटिफाइड अंडर द यूनाइटेड नेशन एक्ट है कोई कॉन्सुलेट है कोई एम्बेसी है फॉरेन कंट्री का या एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन जिसको कमिश्नर ने नोटिफाई कर दिया है तो उनको दिया जाता है यू नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ताकि उनको यूनिकली बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है तो सर क्यों दिया जाता है ताकि वो जो भी आइटम परचेस करे उस पर जो भी जीएसटी दिया है वो जीएसटी का उन्हें रिफंड दे दिया जाए फॉर द पर्पज इनक्री

आप अगर समझ लीजिए एम्बेसी है और आप तीन स्टेट में हैं तो ऐसा नहीं है कि तीन अलग अलग यूएन लेने पड़ेंगे एक यूएन नंबर ले लिया तो वो सारे पूरे पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हो जाएंगे तो मैंने अभी तक आपको क्या बोला मैंने बोला सेक्शन नंबर ट्वेंटी 22 एंड ट्वेंट थ्री मेंसेंट लाइबल ट्वेंटी थ्री में परसेंट नॉट लायबल ट्वेंटी फोर में, liable, 24 में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोला अगर ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी फोर में आप लाइबल हो गए तो सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव बोला आपको सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव वन बोला कि बेटा तीस दिन में रजिस्ट्रेशन ले लेना अगर सिटी पे एनआरटीपी है फाइव डेज प्रायर ले लेना एस सीजेड का केस है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लेना एंड टी डब्ल्यू आई आप नियरेस्ट में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो सेक्शन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वन बता दिया सेक्शन नंबर बोला मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस का केस में आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव थ्री बोला वॉलेंटियर रजिस्ट्रेशन के बारे में सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव फोर एंड सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव बोला डिस्टिंग पर्सन के बारे में सिक्स बोला पैन मैंडेटरी है और टीडीएस डिडक्टर टेन के बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं सेवन बोला सर एनआरटीपी सेवन से सर पहले आप सिक्स ना एंड आधार ऑथेंटिकेशन की बात किया। 7 बात किया किया रजिस्ट्रेशन के बारे में एट बात किया अगर आपने नहीं लिया है तो सुओ मोटो ऑफिसर आपको रजिस्टर कर लेगा उसके बाद नाइन हमने पढ़ा अबाउट यू आई एन होल्डर यू आई एन होल्डर के बारे में हमने पढ़ लिया अब सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव वन रेड विद रूल्स करते हैं सुनिए सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव वन हमें बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है विद इन थर्टी डेज यस सर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव वन हमें बोला कि अगर एक पर्सन लायबल हो जाता है तो उसे तीस दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना है सर दिन पहले नहीं तीस दिनों में रजिस्ट्रेशन लेना है ठीक है सर सीटी लेगा एस सीजेड यूनिट या अगर है, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में रजिस्ट्रेशन लोगे ठीक है सर नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लोगे ठीक है सर अब सुनिए जब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है अब यह हमें बात बोलता है रूल नंबर एट बोलता है कि सर आपको एप्लीकेशन देना है एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाएगा टू द प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर वेरिफिकेशन करेगा और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं अभी कि सर सेक्शन नंबर ट्वेंटी उसके बाद आप देखोगे भी भी आएगा, आएगा हम करेंगे. चलिए आ जाइए. अब rule number eight क्या बोलता है कि सर एक बार लायबल हो गए हो अगर एक पर्सन लायबल हो गया है इन अंडर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव अदर देन एन टी ओ मैंने एन टी ओ का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है एन का मतलब होता है एनआरटीपी एनआरटी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर सी जीरो नाइन होता है जो रूल नंबर थर्टीन बताता है

थ्रू ओ टीपी सेंड टू द मोबाइल नंबर एंड ई मेल एड्रेस लिंक टू द पैन जो आपने पैन लेने के समय जो ई मेल एड्रेस और फोन नंबर दिया था उसमें भी एक ओटीपी भेजा जाएगा और वैलिडेशन किया जाएगा ये बोल रहे हैं पैन नंबर को तो हम वैलिडेट करेंगे ही उसके अलावा जो आपने मोबाइल नंबर और ई मेल एड्रेस अपने पैन लेने के समय दिया था उस मोबाइल नंबर एंड ई मेल एड्रेस पर भी एक ओटीपी भेजा जाएगा और वेरिफिकेशन किया जाएगा अब सर एक बात बताइए उस समय जो पैन लिया था तब जो मोबाइल नंबर एंड ई मेल एड्रेस दिया था उस तो पुराना हो गया सर अब जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के समय अपने पैन नंबर में अपना जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर uh, अपडेट किया होगा उस अपडेटेड नंबर पे चला जाएगा ठीक है सर और ओटीपी जाएगा और आपको ओटीपी डालना है और वेरिफिकेशन करना है ठीक है सर पॉइंट क्लियर है तो ये बोल रहे हैं पैन के साथ जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस लिंक होगा उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा और वेरिफिकेशन किया जाएगा और यहां पे ये जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस वेरीफाइड थ्रू ओटीपी इस पॉइंट को काट दिया है और इन्होंने बोला है अब जो भी पैन के साथ लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है उस पर वेरिफिकेशन किया जाएगा उसके बाद सर आपको स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी डालना है उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक टेम्प्री रेफरेंस नंबर दिया जाएगा अब आपको टेम्प्री रेफरेंस नंबर यूज करके पार्ट बी ऑफ जीएसटी आर डी जीरो वन भरना है और पार्ट बी ऑफ जीएसटी आरजी जीरो वन भरने के समय आपको यहां एक आधार ऑथेंटिकेशन दिखेगा आधार ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हो या नहीं चाहते सर किसी किसी आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है आई ए एम के इंडिविजुअल ऑथराइज सिग्नेटरी मैनेजिंग एंड ऑथोराइज पार्टनर इंडिविजुअल ऑथराइज सिग्नेटरी मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर एंड करता सर उनको अब आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है तो सर आप जब सबमिट करोगे पार्ट बी ऑफ जीएसटी आर इज जीरो वन ड्यूली साइंड और ई वेरीफाइड अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करोगे तो सर क्या आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन होगा जिस दिन आपने तो बेसिकली क्या होता है जब आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए येस बोल देते हो यहाँ पे और इस फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो आपके ईमेल एड्रेस पे ईमेल एड्रेस पे वो

उस दिन को बोला जाएगा डेट ऑफ सबमिशन अगर 15 दिन में नहीं किया तो 15 दिन जैसे ही खत्म होंगे उसका नेक्स्ट डे समझ लीजिए फर्स्ट को मैंने पार्ट बी सबमिट किया तो 15 जनवरी तक मुझे टाइम मिलेगा अब 15 तक अगर मैंने नहीं किया तो 16 जनवरी को ऑफिसर उस फॉर्म को उठा लेगा और वेरिफिकेशन करेगा मतलब 15 को माना जाएगा कि आपने 15 खत्म हो गया 16 को माना जाएगा बेसिकली डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन फर्स्ट को आपने सबमिट किया है तो को लिया जाएगा of of को पे नो बोल, दिया, नो बोल, दिया बेटा, तो ये बोल रहे हैं कि सर इस केस में जो एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन जिस दिन आपने पार्ट बी सबमिट किया है उसी दिन को माना जाएगा एज योर डेट ऑफ सबमिशन और उसी दिन आपको एक एक्नोलेंट दे दिया जाएगा सर जो सी होते हैं कैजुअल

फिर उसका वेरिफिकेशन करना है कि सर ये तो बड़ा डेंजरस टाइप ऑफ पर्सन लग रहा है थोड़ा रिस्की टाइप ऑफ पर्सन लग रहा है तो अगर एक पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ भी किया है लेकिन अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया पोर्टल ने बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर गवर्नमेंट बोल रहा है कुछ डेटा एनालिसिस के बेसिस पे कुछ रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और हमने अगर आपको इवन दो आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ किया आधार आपने आधार वेरीफाई कर लिया फिर भी अगर आपको पोर्टल ने आइडेंटिफाई कर लिया है एज ए पर्सन बेस्ड ऑन योर डेटा एनालिसिस एंड दिस पैरामीटर तो सर आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको जाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट एक नोटिफाई कर देगा फैसिलिटेशन सेंटर वहां जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट होगा, होगा किया जाएगा जो एप्लीकेशन के साथ अपलोड किया था एट वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा एंड द एप्लीकेशन शैल बी डीम टू बी कंप्लीटेड आपका एप्लीकेशन आधार ऑथेंटिकेशन करने पर सबमिटेड नहीं माना जाएगा आपका एप्लीकेशन सबमिटेड माना जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस मतलब जाइए फैसिलिटेशन सेंटर में और सर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कीजिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के बाद आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे आपने जब प्रोसेस कंप्लीट कर दिया उसी के बाद आपके form, आपके फॉर्म एप्लीकेशन को सबमिटेड माना जाएगा और ऑफिसर उसी के बाद आपके एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन स्टार्ट करेगा नोट एक बात याद रखिएगा ये जो रूल है कि सर पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उससे बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा ये अभी तक सिर्फ गुजरात में ही एप्लीकेबल कराया गया है ठीक है सर पॉइंट क्लियर

आप ऐसे एक एप्लीकेंट है आपका एप्लीकेशन तो सही है एप्लीकेशन में कोई टेंशन नहीं है और आधार ऑथेंटिकेशन दो चीजें होती है एप्लीकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन सर एप्लीकेशन सही है और आधार ऑथेंटिकेशन आपको चाहिए नहीं क्यों सर क्योंकि आप वो न्यू दिल्ली पीएसयू में फॉलो हो रहे हैं न्यू दिल्ली पीएसयू मतलब नॉन इंडियन सिटीजन नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया सर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टैचुरी बॉडी है आप या फिर आप एक यू होल्डर है ये मैंने यहां बोला था आपको किस किन लोगों को किन किन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग

सर उसके बाद से, सेकंड पॉइंट बताइए सर

within 7 days approve कर दिया जाएगा और सर आपको रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ठीक है सर सर अगर समझ लीजिए एप्लीकेशन सही है आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है ऑप्टेड भी है लेकिन सर मैं फेल हो गया आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड भी था मैंने ऑप भी किया और सर मैं फेल हो गया ऑथेंटिकेट करने में मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आया सर और मैं फेल हो गया आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया या फिर सर आपने ऑप्टी नहीं किया या तो देखिए आप रिक्वायर्ड था ऑप्टेड सक्सेसफुल हो गया तो सेवन डेज सक्सेसफुल नहीं हुआ फेल हो गए या फिर आपने ऑप्ट नहीं किया या फिर बेटा आपको पोर्टल ने आइडेंटिफाई किया है ए पर्सन Undergone आधार but आपने आधार किया है, लेकिन पोर्टल ने आइडेंटिफाई कर लिया है आपको और पोर्टल बोल रहा है कि आपका करना चाहिए या फिर सर आपको पोर्टल ने आइडेंटिफाई नहीं किया ऑफिसर ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है एज ए पर्सन तो सर प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपर अप्रूवल ऑफ द ऑफिसर ऑथराइज जो असिस्टेंट कमिश्नर और अबॉब होता है उसके परमिशन के बाद ऑफिसर बेसिकली ऑफिसर को लग रहा है कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए आधार आधार ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन ठीक है 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 आपने आधार किया ऑफिसर को लग रहा है कि फिजिकल का वेरिफिकेशन होना चाहिए तो सर ऑफिसर पहले असिस्टेंट कमिश्नर या वो आपका परमिशन लेगा और उसके बाद आपका फिजिकल प्रेमाइसिस का वेरिफिकेशन किया जाएगा तो सर एप्लीकेशन तो सही था एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड ऑप्टेट फेल्ड फेल हो गए

के सर पॉइंट क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट आता है सर अगर आपका ऑफिसर वेरिफिकेशन कर रहा था एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन कर रहा था और सर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड

इंडिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था अब बस बेटा आपसे आप क्लारिफिकेशन दे दीजिए तो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा लेकिन सर अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है या मैंने रिप्लाई नहीं किया नालायक निकला मैं सात दिन में वर, सेवन वर्किंग डेज में रिप्लाई नहीं किया तो सर प्रॉपर ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा रीजन और रिजेक्ट कर देगा मेरा एप्लीकेशन को और मुझे इन्फॉर्म कर देगा इन जीएसटी ठीक है सर पॉइंट क्लियर है उसके बाद सर जब ऑफिसर वेरीफाई कर रहा था एक और सिचुएशन समझ लीजिए आपकी एप्लीकेशन में भी आपके एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम है आधार में भी प्रॉब्लम है सर एप्लीकेशन इज फाउंड डेफिशिएट एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम है प्लस आपका आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड आपने ऑफ आप नहीं किया या आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गया या सर पोर्टल ने आपको आइडेंटिफाई किया है फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन या ऑफिसर को लगता है कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस तो बेटा इन सब सिचुएशन में देखिए एप्लीकेशन में ही प्रॉब्लम है आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड है या आपने ऑप नहीं किया या ऑफिसर ने आपको आइडेंटिफाई किया है या पोर्टल ने आपको आइडेंटिफाई किया है तो बेटा पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस एंड अदर डॉक्यूमेंट और विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको जीएसटीआर 203 में क्योंकि देखिए आधार ये सब प्रॉब्लम के कारण फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ प्लेस ऑफ बिजनेस और एप्लीकेशन में प्रॉब्लम था उसके लिए आपको जीएसटी आरजी जीरो थ्री दिया गया है लेकिन क्लारिफिकेशन के लिए जीएसटी आरजी जीरो थ्री दिया जाएगा वो विद इन थर्टी डेज दिया जाएगा विद इन थर्टी डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप रिप्लाई कर दीजिए जीएसटी आरजी जीरो फोर सर

ठीक है सर पॉइंट क्लियर है सर उसके बाद अगर सर ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया ऑफिसर को सेवन वर्किंग डेज में मेरा एप्लीकेशन दे अप्रूव करना था या सर सेवन वर्किंग डेज में एप्लीकेशन अप्रूव करना था या सेवन वर्किंग डेज में मुझे जीएसटी आर जीरो सिक्स देना था या सर थर्टी डेज में यहां पे एक टाइम लिमिट था ऑफिसर के लिए या मैंने रिप्लाई किया तो उसके बाद सेवन वर्किंग डेज में उनको अप्रूव करना चाहिए था देखिए

सर अगर मुझे रजिस्ट्रेंट सर्टिफिकेट मिल गया तो बेटा आप तो एक बात याद रखिएगा सर्टिफिकेट जैसे ही मिल जाता है रूल नंबर 18 बोलता है कि डिस्प्ले योर सर्टिफिकेट इन ए प्रोमिनेंट लोकेशन एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दोनों जगह आपको रजिस्ट्रेंट सर्टिफिकेट को चिपका के डिस्प्ले कर देना है प्लस डिस्प्ले योर जीएसटीएन नंबर अपने सर पे लिखा ले सर पे मतलब नोटिस बोर्ड पे लिखा ले ऑन द नेम बोर्ड विच इज एक्टेड एट द एंट्री

जब मैं टैक्सेबल पर्सन हुआ उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन बन गया तो सर अब इसके लिए क्या आ, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडिटी दिया जाएगा यस बेटा देख, अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है विद इन थर्टी डेज ऑफ बिकमिंग लायबल

देखिए रूल नंबर टेन भी बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन अंडर ट्वेंटी फाइव सिक्स डी ट्वेंटी फाइव सिक्स डी मतलब न्यू डेली पीएसयू को छोड़ के जो भी लोग हैं उनके लिए बोला गया है कि सर हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन अपना ले लिया था बिफोर या, या फिर सर आधार ऑथेंटिकेशन आने के बाद भी आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया था विदाउट डूइंग एनी आधार ऑथेंटिकेशन मतलब आपने फिजिकल प्रेमिस का वेरिफिकेशन करवा के अपना रजिस्ट्रेशन ले लिया था तो बेटा सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव सिक्स डी बोलता है कि अगर अगर आप लोगों को सर क्या क्या लेना है रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करना है सर रिफंड एप्लीकेशन अंडर रूल नंबर 89 या रिफंड एप्लीकेशन अंडर रूल नंबर 96 फाइल करना है तो बेटा हो सकता है रजिस्ट्रेशन लेने के समय आपसे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया गया हो हो सकता है रजिस्ट्रेशन आपको फिजिकल का वेरिफिकेशन करते हुए वे दे दिया गया हो लेकिन फिर भी अगर रिवोकेशन एप्लीकेशन और रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है तो यह बोलता है कि सर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव डी इश्यूड ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल अंडर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रोपराइटर या फिर पार्टनर या फिर कर्ता मैनेजिंग डायरेक्टर और हु टाइम डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी Of association of person or body of individual or society, trustee or board of trustees in case of trust, and of the authorized signatory, so, sir, proprietor. एंड ऑथराइज सिग्नेट्री पार्टनर एंड ऑथराइज सिग्नेट्री ऐसे आपको पढ़ना है, है, है। क्यों सर अगर आपको ये सब करनी है। अगर आपको रूल नंबर नाइनटी सिक्स ठीक है सर पॉइंट क्लियर है सर मेरे पास तो आधार है ही नहीं तो सर एक काम कीजिए आधार के लिए अपलाई कीजिए जब आप आधार के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक आधार एंडमेंट आईडी स्लिप दिया जाएगा उसके

नेक्स्ट थर्टी डेज आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर लीजिएगा ठीक है 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 उसके बाद बोलता बोलता कि सर जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आता है, उनको किसने किया रूल 25 बोलता है, में गेट फिजिकल वेरिफिकेशन और, प्लेस और, और, ग्रांट और, और सर, आएगा तो एक अपलोड करेगा वेरिफिकेशन रिपोर्ट अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स इन जी एस आर जी थर्टी ठीक है सर विद इन फिफ्टीन डेज वो अपलोड कर देगा सर वेरिफिकेशन क्या बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो सकता है बेटा to failure of other authentication or due to not opting of other authentication be sir ऑथेंटिकेशन और नॉट ऑप्टिंग फॉर ऑथेंटिकेशन सर आपका ऑफिसर ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया कि यह बड़ा रिस्की पर्सन है तो ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर लेते हुए ठीक है सर सर क्या वेरिफिकेशन आफ्टर ग्रांड भी हो सकता है हाँ, अगर और कोई डाउट हुआ तो आफ्टर ग्रांडी

ट्वेंटी फाइव पढ़ा ठीक है डन सर ये पॉइंट क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं आ जाइए अब सर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव की बात आता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स बोलता है डीम रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट और यूएन और ग्रांटेड और रिजेक्टेड अंडर द एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया है अंडर एच एक्ट या फिर अगर रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किया गया था अंडर एच एक्ट तो मान लिया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किया गया था अंडर सीजीएसटी एक्ट सर अगर एसजीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिल गया तो मान लिया जाएगा सी में भी मिल गया अगर एसजीएसटी में रिजेक्ट कर दिया गया मान लिया जाएगा

उसके एक्सपायरी से पहले आपको एक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है रूल नंबर 15 आता है जो बोलता है जीएसटी 11 में अप्लाई कीजिएगा अडिशनल टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी दीजिएगा और सर वो बोल रहे हैं 90 डेज के बाद जो ये डेज के लिए आपको दिया नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मैक्सिमम वन एट्टी डेज के लिए हो सकता है अब सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन गए गवर्नमेंट के पास और बोला सर ट्रेड फेयर एक्सटेंड हो गया है सर मुझे और थोड़ा टाइम दीजिए गवर्नमेंट ने बोला नालायक अब तू कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन थोड़ी है छह महीने हो चुके हैं ऑलरेडी स्टेट में एंड एक सर्कुलर आया सर्कुलर बोला कि सर अगर आपको फर्दर एक्सटेंशन बियॉन्ड वन एटी डेज चाहिए तो पॉसिबल नहीं है आप एक काम कीजिए आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लीजिए कोई एडवांस में टैक्स देने का जरूरत नहीं है जब सरेंडर करोगे जब आप रिटर्न फाइल करते हो हर में ना तो टैक्स दे देना और रिटर्न नॉर्मली नॉर्मल पर्सन की तरह फाइल करते रहो जब एग्जीबिशन खत्म हो गया तो रजिस्ट्रेशन सर, सरेंडर कर दो और भाग जाओ डन सर पॉइंट क्लियर है उसके बाद आता है

होते हैं सर कोर फील्ड कामेंटमेंट जैसे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हो गया एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है सर अडिशन, डिलीशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डायरेक्टर करता मैनेजिंग कमिटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या सीईओ हो रहा है जो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे द बिजनेस होता है जिनके जाने के कारण कैंसिलेशन की जरूरत नहीं है आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो लेकिन सर कोरफील्ड अमेंडमेंट में क्या होता है जैसे ही चेंज हो गया चेंज होने के पंद्रह दिन में आप, आपको देना है एप्लीकेशन जीएसटी आरजी फोर्टीन में अलॉन्ग विदोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाइएगा समझ लीजिए एड्रेस चेंज हो गया तो एड्रेस का डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा कि सर यह नया एड्रेस है एड्रेस प्रूफ नया लगाइएगा

सर क्या शोकस करूं वाई योर एप्लीकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड तो सर ठीक है मैं शोकस कर दूंगा आप रिप्लाई कीजिए रिप्लाई सेटिसफेक्ट्री है तो अमेंडमेंट को अप्रूव कर देगा विद इन द नेक्स्ट सेवन वर्किंग डेज और जीएसटी आज फिफ्टीन

अगर समझ लीजिए यहां पे क्या हुआ था तो जिस दिन आप एप्लीकेशन दोगे उसी दिन से इफेक्टिव होगा आपका अमेंडमेंट लेकिन सर अगर आप कमिश्नर को बोलो और कमिश्नर ऑर्डर दे दे तो आपके अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी दिया जा सकता है यही बोला है एक्सेप्शन बाई कमिश्नर ऑर्डर

अभी तक सर आप किसको कौन कौन लायबल होता है ट्वेंटी थ्री कौन कौन लायबल नहीं होता ट्वेंटी फोर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ट्वेंटी फाइव सर

है, cancellation section number बोलता है कैंसिलेशन सेक्शन नंबर ट्वेंटी बोलता है एंड सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन में सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन वन है सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन टू है सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन थ्री है सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन फोर एंड सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन फाइव है सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन वन बोलता है कि कब का प्रॉपर ऑफिसर सो मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है या आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो या सर एक पर्सन का डेथ हो गया तो लीगल हायर कैन गो हेड एंड कैंसिल कब कब सर ये बोल रहे हैं वेर बिजनेस डिज कंटिन्यूड या ट्रांसफर कर दिया बिकॉज ऑफ दैट डिस्पोज ऑफ मर्जर और अमाल मिशन तो याद रखिएगा प्रॉपर ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है सर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो खुद भी अप्लाई कर सकता है ठीक है सर या रजिस्टर्ड पर्सन का डेथ हो गया है तो लीगल हायर भी अप्लाई कर सकते हैं सर अगर कोई हो गया है या फिर बोल रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर भी कैंसिल रजिस्टर्ड पर्सन भी अप्लाई कर सकता है रजिस्टर्ड पर्सन चला गया तो लीगल हायर भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सर उसके बाद आता है सेक्शन ट्वेंटी सेक्शन नंबर ट्वेंटी बोलता है प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन अगर

आउटवर्ड सप्लाई विच आर फर्निश इन वैलिड रिटर्न टैक्स पे करने के समय दिखाया एक लाख का सेल जीएसटी का सेल नालायक एक्स्ट्रा क्रेडिट पास ऑन कर रहा है तो प्रोविजन ऑफ रूल नंबर एटी सिक्स बी जो आपके पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में आप पढ़ोगे ठीक है सर रूल नंबर 86 बी भी पढ़ेंगे वहीं पे ठीक है सर उसके बाद अगर आपने ये सारे कंडीशन वायलेट कर दिए तो ये और अगर आप बीग ए रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर थर्टी नाइन वन फॉर ईच मंथ और पार्ट देर ऑफ एंड यू हैव नॉट फंडिज फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ सिक्स मंथ तो सर वो बोल रहे हैं अगर आप एक व्यक्ति हैं जिनको रिटर्न रे, फाइल करना है और आपने छह महीने तक अपना रिटर्न नहीं लगाया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है है ठीक सर ए पर्सन रिक्वायर्ड टू अंडर सेक्शन नंबर फॉर क्वार्टर क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल कर रहे हो यहां तो मंथली रिटर्न की बात बोल रहे थे अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे थे और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया फॉर ए कंटिन्यूस टू पीरियड मतलब दो क्वार्टर के लिए अपना जीएसटी आपने नहीं लगाया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है ठीक है सर पॉइंट क्लियर है उसके बाद सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन टू ए मैंने पढ़ा दिया आपको ट्वेंटी नाइन टू बी बोलता है अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं और आपने अपना हैज नॉट फंड रिटर्न फॉर ए

टू बी बोलता है कॉम्पोजिशन डीलर तीन महीने ड्यू डेट से पार हो गए हैं और रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है नॉर्मल पर्सन छह महीने या दो क्वार्टर का रिटर्न दो क्वार्टर छह महीने कंटिन्यूसली या दो क्वार्टर कंटिन्यूसली आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है वॉलेंट्री पर्सन वॉल्ट्री रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना छह महीने से बिजनेस कमेंट से नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया था बाई फ्रॉड विलफुलटमेंट और सपरेशन आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर

स्टॉक स्टॉक सेमी गुड्स 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 एंड था था अवेलेबल आपका प्लस जो कैपिटल उसका डिटेल्स डालेगा ऑन द डेट ऑन फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज शॉर्ट प्लस लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है आपको एंड पेमेंट करना है पेमेंट का डिटेल्स देना है प्लस आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है अब क्या करेगा ऑफिसर आपने एप्लीकेशन दे दिया एप्लीकेशन जीएसटी जीरो सिक्स 16 में गया अलॉन्ग विदिंग डॉक्यूमेंट वगैरह आपने दे दिया टैक्स वगैरह का आपने पेमेंट कर दिया अब बेटा ऑफिसर करेगा वेरिफिकेशन और ऑफिसर वेरीफाई करते हुए विद इन द नेक्स्ट थर्टी डेज आपको कैंसिलेशन ऑर्डर दे देगा आफ्टर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड और कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा जीएसटी आरजी नाइनटीन में और आपको ऑफिसर डायरेक्ट कर देगा कि बेटा जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है वो पे कर दे एंड द अमाउंट विच सेक्शन नंबर लाइबल ट्वेंट फाइव यहां बोला था वो अमाउंट पे कर दीजिए अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था तो फिर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है नहीं तो कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद आपको तीन महीने में जो भी लाइबिलिटी है वो पे करते हुए एक बाई बाय रिटर्न जी एस टी आर टेन जो एक फाइनल रिटर्न होता है आफ्टर पेमेंट ऑफ आफ योर ड्यूज आपको फाइल करना पड़ेगा ठीक है सर और बेटा जी एस टी आर टेन आपको फाइनल रिटर्न तो फाइल करना ही है अगर आपने टैक्स ऑलरेडी दे दिया था कोई लायबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं नहीं तो लायबिलिटी को यहां पे करते हुए आपको फाइल करना है जीएसटीआर आर टेन ठीक है सर सर अगर ऑफिसर कैंसिल करना चाहता है मेरा रजिस्ट्रेशन तो ऑफिसर ऑफिसर तेरे को भेजेगा एक एक लव लेटर देगा शोकोज नोटिस इन जीएसटीआर जी और आपको सेवन वर्किंग डेज में रिप्लाई करना है आपने रिप्लाई कर दिया अब अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फेक्ट्री है या आपने रिप्लाई नहीं किया बोला क्या तो रिप्लाई करूंगा रिटर्न फाइल नहीं किया चल रिटर्न फाइल कर देता हूं आपने रिटर्न फाइल कर दिया जो भी टैक्स इंटरेस्ट लेट फी वगैरह था वो पे कर दिया

फॉर कैंसिलेशन तो जिस दिन एप्लीकेशन दिया या जिस दिन से सर वो कैंसिलेशन मांग रहा है उस दिन से बेसिकली उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन पेंडिंग कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन या कैंसिलेशन इज शॉर्ट विच एवर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा उसके बाद सर अगर प्रॉपर ऑफिसर तो प्रॉपर ऑफिसर एक डेट डिटरमाइन करेगा ही कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग जब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा है बेसिकली ऑफिसर क्या बोलेगा यहां पे कि सर मैं आज से आपका कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं और उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा ठीक है सर ये पॉइंट क्लियर है उसके बाद सेक्शन नंबर रूल नंबर ट्वेंटी वन ए 2A क्या बोलता है? की बात करता है. ने अगर डिटरमाइन किया ऑफिसर अगर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट किया है बेसिकली ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है तो ऑफिसर डिटरमाइन करेगा डेट जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा सस्पेंड हो जाएगा एंड सर थर्ड पॉइंट यहाँ पे टू ए आता है कि आपके रिटर्न को जो आपने सेक्शन नंबर 39 में जीएसटीआर 3बी बी वगैरह लगाया था उसको आपके जीएसटीआर 1 से कंपेयर किया जाएगा या फिर डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई बेस्ड ऑन सप्लायर जीएसटीआर 1, मतलब आपके जीएसटीआर 3बी बी को आपके जीएसटीआर 2बी बी से कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा और सच अदर एनाडेशन ऑफ काउंसिल और उस एनालिसिस के कारण दिख रहा है थ्री बी में हैं और 3B में कोई डिफरेंसेज हैं अगर उनको ऐसा कोई डिफरेंसेस लगा और उसके कारण लगा

रिटर्न आपको रिटर्न फर्निश नहीं करना है एंड यू शुड नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई आपको टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं करना है मतलब क्या सर मैं सप्लाई कर सकता हूं? हाँ बेटा सप्लाई कर सकता है और उसके लिए सर इनवाइस भी इशू कर सकता हूं हाँ बेटा लेकिन टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकता तू टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकता अब सर समझ लीजिए यहां पे तो यही बोला गया है कि ही शैल नॉट इट शैल मीन दैट ही शैल नॉट इश्यू टैक्स इन वॉज एंड ही शैल नॉट चार्ज टैक्स ऑन सप्लाईज मेड ड्यूरिंग सस्पेंशन अब समझ लीजिए सर यहां पे मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन को रिवोक कर दिया गया बेटा रिवोक कर दिया मतलब

सर उसके बाद यह बोला है कि सर अगर सस्पेंशन रिवोक हो गया और रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो गया तो आपको इश्यू करना है रिवाइज रिवाइज टैक्स और सारे टैक्स बॉयज को फर्स्ट फर्स्ट रिटर्न में डिस्क्लोज करना है विद रेस्पेक्ट टू द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ठीक है सर एक बात बताइए ना सर जब मेरा सस्पेंशन चल रहा था मैं सस्पेंडेड था तो सर सस्पेंशन के दौरान क्या मैं आ, रिफंड वगैरह ले सकता हूं तो इन्होंने बोला 54 the of suspension. Suspension के दौरान आप रिफंड मांगोगे तो आपको रिफंड वगैरह नहीं दिया जाएगा उसके बाद बी डीम टू बी रिवोव अपॉन द कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग अगर सर एक बार कैंसिलेशन प्रोसीडिंग यहां हो गया सर उसके बाद ऐसा माना जाएगा कि सर आपका तो ऑफिसर क्या करेगा आपका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल कर दिया तो कैंसिलेशन यहां से कर देगा तो इस दौरान आपको सस्पेंडेड नहीं माना जाएगा आपको कैंसल ही माना जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन को यही बोल रहे हैं ये कि सर रिवोकेशन विल बी एफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच सस्पेंशन एट कम टू इफेक्ट उसके बाद बोला है प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड रिवोक सस्पेंशन एनी टाइम ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग आपके यहां पे समझ लीजिए कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा था और ऑफिसर को लगा नहीं 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 इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए तो सस्पेंशन को रिवोक ऑफिसर कभी भी कर सकता है

थर्टी डेज प्लस थर्टी प्लस थर्टी का टाइम लिमिट हो सकता है आपके पास लेकिन जनरली आपको थर्टी डेज में अप्लाई करना है एप्लीकेशन देगा जीएसटीआरजी ट्वेंटी वन में और रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने से पहले बेटा याद रखना रूल नंबर टेन बी बोलता है आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया तो रिवोक कर देगा कैंसिलेशन ऑर्डर को और एक ऑर्डर दे देगा इन जीएसटीआरजी ट्वेंटी टू लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो बेटा ऑफिसर आपको एक लव लेटर भेजेगा शो कॉज नोटिस देगा आप सेवन वर्किंग डेज में रिप्लाई कीजिए विद क्लारिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अगर ऑफिसर को सही लगा तो विद इन थर्टी डेज आपको प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है रिवोक कर देगा और ऑर्डर दे देगा इन जीएसटीआरजी ट्वेंटी वन अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो सर रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को और ऑर्डर दे देगा इन जीएसटीआरजी जीरो याद रखना अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था क्योंकि आपने रिटर्न वगैरह फाइल नहीं किया तो, तो बेटा प्रोवाइज बोलता है रजिस्ट्रेशन ड्यू टू तो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो बेटा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले अपना रिटर्न फाइल कर देना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी जो भी है पे कर देना उसी के बाद आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना ठीक है सर यहां पे एक पॉइंट आता है कि समझ लीजिए मैंने छह महीने का रिटर्न नहीं लगाया छह महीने का रिटर्न नहीं लगाया तो सर मुझे एक शोकोज नोटिस आया मैंने रिप्लाई किया और ऑफिसर ने मुझे कैंसिलेशन ऑर्डर दे दिया तो सर बिफोर अपलाइंग फॉर रिवोकेशन जो भी रिटर्न आपके ड्यू थे वो फाइल कर देना अलॉन्ग विद टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी टिल द कैंसिलेशन ऑर्डर जो भी आपके रिटर्न ड्यू थे वो पहले फाइल करना उसके बाद आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है रिवोकेशन के लिए अप्लाई करोगे नेक्स्ट थर्टी डेज में आपका रिवोकेशन ऑर्डर आ जाएगा कैंसिलेशन ऑर्डर से लेकर रिवोकेशन ऑर्डर के, के बीच में

इस चैप्टर में द मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट ये एक चैप्टर ए ग्रेडेड बोलूंगा मैं इस चैप्टर से चार से छह मार्क से लेकर आठ मार्क तक कुछ भी आ सकता है ए ग्रेडेड चैप्टर सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू 23 एंड 24 ये ये जो चार्ट है ये A है उसके बाद सर ये जो नेक्स्ट चार्ट है सेक्शन नंबर 25 में क्योंकि अमेंडमेंट है मुझे लगता है इस चैप्टर से कहीं ये बायोमेट्रिक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पूछ ले ठीक है सर या फिर सर छोटा मोटा कोई पॉइंट पूछ ले ये वाला पॉइंट एप्लीकेशन आपने थर्टी डेज में सबमिट कर दिया तो क्या ठीक है सर अगर थर्टी डेज में सबमिट नहीं किया तो क्या सर रूल नंबर टेन बी का ध्यान रखिएगा छोटा मोटा एक क्वेश्चन कहीं पूछ ले ठीक है सर उसके बाद जो ये नेक्स्ट आता है ये वाले में मुझे लगता है कि देखिए ये ये जो and point है, ये जो and point है है का इसका ध्यान रखिएगा सिक्स बी सिक्स डी सिक्स डी जो आधार ऑथेंटिकेशन की बात करता है उसका ध्यान रखिएगा ठीक है सर ये जो एप्लीकेशन बाई टी डी एस डिडक्टर एंड इसमें छोटा सा एक अमेंडमेंट है कि अब आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉर कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन एज ए टी डी और टीसीएस कलेक्टर इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा ठीक है सर ये पॉइंट का ध्यान रखेंगे उसके बाद यहां अगर आप आओगे तो यहां अमेंडमेंट में ना तो जो कोर फील्ड अमेंडमेंट है कि कौन सा कौन सा फील्ड फील्ड कोर फिल्ड होता है उसका ध्यान रखिएगा उसके बाद सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो पॉइंट है ना सस्पेंशन एक सी ग्रेडेड पॉइंट बोल सकते हो लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि सर आपका रजिस्ट्रेशन कब कब सस्पेंड किया जा सकता है आपने अप्लाई किया तो भी प्रॉपर ऑफिसर भी कर सकता है और आपके रिटर्न में एनोमलीज है तो भी आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है ठीक है सर इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे सेक्शन नंबर ट्वेंटी में अगर आप देखोगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट बींग सेक्शन नंबर ट्वेंटी 2 ही होता है यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 29 टू है उसके बाद सर रिवोकेशन वगैरह बाकी सारे पॉइंट इस चैप्टर के सेग्रेटेड हैं मुझे लगते थे जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन सेक्शन ऑन द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा सेक्शन नंबर 22 पर्सन लायबल 23 पर्सन नॉट लायबल 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन 25 प्रोसीजर 26 डीम रजिस्ट्रेशन 27 सीटीबी एनआरपी 28 अमेंडमेंट 29 कैंसिलेशन एंड थर्टी रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन डन सर पॉइंट क्लियर है एक और पॉइंट याद आया कि सर जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड होता है ना जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड होता है तो ईवे बिल चैप्टर बोलता है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन आप ईवे बिल भी जनरेट नहीं कर सकते ई वे बिल पोर्टल में आपके आउटवर्ड सप्लाई के लिए आप ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकते रूल नंबर वन थर्टी एट ई बोलता है यहां आपको एडिशनली बोल दिया डन सर पॉइंट क्लियर है क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिविजन ऑन द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन छ